Like, share, and subscribe. बहुत समय पहले चंपकवन जंगल में भूरी चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया और अपने पिता बंटी कबूतर के साथ रहती थी। भूरी चिड़िया के माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया बीमार पड़ जाती है और उसे अपनी बेटी की चिंता सताने लगती है। ऐसे में एक दिन टुनटुनी चिड़िया बैठी धूप सेक रही थी, तभी वो देखती है कि पड़ोस में रहने वाली चिंकी चिड़िया की सौतेली माँ उसे धक्के देकर घोंसले से बाहर निकाल देती है। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत डर जाती है और वो सोचने लगती है, अगर मैं मर गई तो मेरी बेटी का क्या होगा? अगर बंटी कबूतर ने दूसरी शादी कर ली तो सौतेली माँ मेरी बेटी को इसी तरह घर से बाहर निकाल देगी। जब शाम को बंटी कबूतर घर लौटता है तो टुनटुनी उससे कहती है, सुनो जी, अगर मैं मर गई तो तुम दूसरी शादी मत करना, वरना सौतेली माँ मेरी बेटी पर बहुत अत्याचार करेगी। ये सुनकर बंटी कबूतर उसे समझाते हुए कहता है, टुनटुनी चिड़िया, मरे तुम्हारे दुश्मन, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। आज मुझसे ये वादा करना ही होगा कि मेरे मरने के बाद तुम कभी दूसरी शादी नहीं करोगे। टुनटुनी, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कोई दूसरी शादी नहीं करूँगा। कुछ दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। टुनटुनी की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी और एक दिन वो मर जाती है। भूरी चिड़िया अपनी माँ से लिपट कर रोने लगती है। उठो ना माँ, तुम उठ क्यों नहीं रही हो? माँ कुछ तो बोलो, अपनी बेटी को इस तरह छोड़कर कहाँ चली गई माँ? आंखें खोलो माँ, उठो ना। अपनी बेटी को रोता देखकर बंटी कबूतर उसे चुप कराता है। बेटी, तेरी माँ बहुत अच्छी थी, इसलिए भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया। अब बंटी कबूतर अपनी बेटी का ध्यान रखता था और फिर काम पर चला जाता था। एक दिन उसके घर कालू कौआ आता है और उससे कहता है, तुम कब तक भाभी के गम में इस तरह डूबे रहोगे? मेरी मानो तो तुम दूसरी शादी कर लो, भूरी अभी बहुत छोटी है, उसे माँ की जरूरत है। कालू कौआ बंटी कबूतर को बहुत समझाता है, ना चाहते हुए भी बंटी कबूतर कालू कौए की बात मान लेता है और वो टुनटुनी चिड़िया से शादी कर लेता है। टुनटुनी चिड़िया शक्ल से बहुत ही भोली थी, वास्तव में वो बहुत ही निर्दयी थी। टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के सामने भूरी चिड़िया से बहुत प्यार करती, लेकिन उसके काम पर जाते ही वो भूरी चिड़िया पर अत्याचार करना शुरू कर देती थी। एक दिन वो भूरी चिड़िया से कहती है, अरे ओ महारानी, चल उठाइए झाड़ू और कमरे में झाड़ू लगा, फिर आकर मेरे पैर दबा, और खबरदार अगर तूने अपने बाप से कुछ कहा तो मैं तेरी बोटी बोटी काट कर चील को खिला दूंगी, तेरे बाप को पता भी नहीं चलेगा। अपनी सौतेली माँ की बात सुनकर भूरी चिड़िया बहुत डर जाती है, वो अपने पिता से कुछ नहीं कहती। एक दिन भूरी चिड़िया की तबीयत कुछ खराब थी, जब टुनटुनी चिड़िया उससे काम करने को कहती है तब भूरी चिड़िया मना कर देती है। माँ, आज मेरी बहुत तबीयत खराब है, इसलिए मैं घर का काम नहीं कर पाऊंगी, मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, आज आप घर का काम कर लीजिए। भूरी चिड़िया की बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया गुस्सा हो जाती है और गुस्से में उसे पीटने लगती है और उसे घोंसले से बाहर धक्का देकर निकाल देती है। उसी समय बंटी कबूतर किसी काम से वापस अपने घर आ रहा था। जब वो टुनटुनी चिड़िया की हरकत देखता है तो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वो टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी चिड़िया, मैंने अपनी बेटी के लिए तुमसे शादी की थी, तुम तो मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती हो, तुम अभी और इसी वक्त मेरे घोंसले से बाहर निकल जाओ। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर से माफ़ी मांगने लगती है। बंटी, मुझे माफ कर दो, ये भूरी बहुत ही ज्यादा बदतमीज है, तुम तो जानते हो ना मैं तुमसे और भूरी से कितना प्यार करती हूँ, तुम ही मुझे बताओ मैं अपनी बेटी को नुकसान पहुँचा सकती हूँ क्या? वो टुनटुनी चिड़िया को माफ नहीं करता और उसे घोंसले से भगा देता है। फिर बंटी कबूतर अपनी बेटी भूरी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। एक जंगल में टुनटुनी नाम की गरीब चिड़िया रहती थी, वो मिट्टी के खिलौने बनाकर जंगल में पक्षियों को बेचा करती थी, लेकिन उसके खिलौने ज्यादा अच्छे नहीं होते थे। एक दिन वो टोकरी में खिलौने बनाकर जंगल में बेचने के लिए जाती है। खिलौने ले लो, खिलौने मिट्टी
के खिलौने ले लो, हाथी घोड़ा चिड़ी और बंदर ले लो, खिलौने सुंदर सुंदर ले लो। तभी बबली कबूतरी अपनी बेटी के साथ वहाँ पर आती है। माँ, मुझे मिट्टी का खिलौना दिलवा दो ना, कितनी अच्छी है। नहीं बेटा, कितने बेकार खिलौने हैं, मैं तुझे आगे से अच्छा वाला खिलौना दिलवा दूंगी। बबली बहन, ले लो ना खिलौना, मैं सस्ते दाम में दूंगी। लेकिन बबली कबूतरी मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। अब सुबह से रात हो जाती है, टुनटुनी का एक भी खिलौना नहीं बिकता है। सुबह से शाम हो गई है, एक भी खिलौना नहीं बिका और मैं घर वापस भी नहीं जा सकती। 3 दिनों से खाना नहीं खाया है मैंने, आज तो भूखा सोना पड़ेगा। तभी उसके पास में एक कालू कौवी की दुकान थी। वो टुनटुनी से कहता है, क्या हुआ टुनटुनी बहन, आज फिर तुम्हारे खिलौने नहीं बिके? मेरा तुम्हारी मदद करने का बहुत मन करता है, पर मैं मजबूर हूँ, मेरे बीवी बच्चे हैं, इन पैसों में उनका ही पूरा नहीं हो पाता है। कोई नहीं कालू भैया, आपने मेरे बारे में सोचा, यही काफी है मेरे लिए। ये कहकर टुनटुनी अपने घर जाने लगती है। तभी उसे जंगल में पीछे से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। ये सुनकर टुनटुनी डर जाती है। टुनटुनी बेटा इधर आओ, टुनटुनी इधर आओ मेरे पास। जैसे ही टुनटुनी चिड़िया पीछे मुड़ती है, वो वहाँ पर एक बूढ़ी सी टूनी चिड़िया को बैठा हुआ देखती है। आप कौन है, यहाँ पर क्या कर रही है? बेटा मेरा नाम टूनी है, मैं पास वाले जंगल में रहती थी, वहाँ मेरा घर जल गया, अब मैं अकेली हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? माँ जी, मैं आपको अपने साथ तो ले जाऊंगी, लेकिन मेरे पास कुछ खाने के लाले हैं। मैं आपको क्या खिलाऊंगी, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ चल सकती है, यहाँ अकेला जंगल में रुकना ठीक नहीं होगा। टुनटुनी टूनी को अपने साथ अपने घर ले जाती है। बेटा मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, जरा कुछ खाने के लिए बना देती हूँ, देखती हूँ किचन में कुछ मिल जाए। पर मेरी किचन में कुछ भी नहीं है, मैं खुद 2 दिन से भूखी हूँ माँ जी। फिर भी टूनी चिड़िया की आत्मा किचन में जाती है और अपने असली रूप में आ जाती है और जादू के सारे डिब्बे खाने से भर देती है। बेटा देखो, तुम्हारे किचन में तो बहुत सारा सामान रखा है। टुनटुनी ये देख कर हैरान हो जाती है, लेकिन वो भूख की वजह से ज्यादा ध्यान नहीं देती और खाना खाकर सो जाती है। तभी रात में टूनी चिड़िया की आत्मा घर से बाहर निकलती है और अपने जादू से आंगन में पड़ी मिट्टी से टुनटुनी के लिए सारे खिलौने बना देती है। वो एक अच्छी चिड़िया की आत्मा थी। अगली सुबह, माँ जी ये देखिए कितने सुंदर खिलौने हैं, ये आपने बनाए हैं? हाँ बेटा, मेरे पति को भी मिट्टी के खिलौने बनाने का शौक था, उन्होंने ही मुझे ये बनाना सिखाया है। अब टुनटुनी चिड़िया वो खिलौने लेकर बेचने के लिए बाजार जाती है। थोड़ी ही देर में वो सारे खिलौने बिक जाते हैं। ये देखकर कालू कौवा उससे जलने लगता है। ऐसा क्या हो गया, एक दिन में इस टुनटुनी के खिलौने इतने सुंदर कैसे बन गए, मुझे पता लगाना होगा। अब वो रात में टुनटुनी के घर जाता है। तभी वो देखता है टूनी चिड़िया की आत्मा अपने जादू से मिट्टी के खिलौने बना रही है। ये देखकर वो डर जाता है। भागो रे भागो भैया भागो, चिड़िया की आत्मा। अगले दिन वो जंगल के पक्षी और जादूगरनी के साथ टुनटुनी के घर आता है। अरे टुनटुनी बाहर निकलो, घर से बाहर आओ। क्या हुआ है भैया, आप इतना चिल्ला क्यों रही हैं? टुनटुनी, कल रात कालू कौवे ने तुम्हारे यहाँ एक चिड़िया की आत्मा को देखा है, कहाँ है उसे घर से बाहर निकालो, कहाँ छुपा रहा है? कालू कौवा, वो औरत बहुत अच्छी है, वो कोई चिड़िया की आत्मा नहीं है। माँ जी बाहर आइए, देखिए ये सब आपको क्या बोल रही है। टूनी चिड़िया बाहर आती है। जादूगरनी उससे पूछती है, कौन हो तुम, यहाँ पर क्या कर रही हो, बता, तू चिड़िया की आत्मा है ना? मैं जानती हूँ। कौन मैं? भूत नहीं, मैं तो पास वाले जंगल में रहती हूँ। अच्छा, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जादूगरनी टूनी चिड़िया की आत्मा पर गंगा जल डालने लगती है। टूनी चिड़िया की आत्मा अपने असली रूप में आ जाती है। क्या कर रही हो, मुझे दर्द हो रहा है, जाने दो, मैं किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, ठीक है, मैं सच सच बताती हूँ,
के जादूगर ने रोको नहीं, दर्द हो रहा है, उन्हें अपनी बात बोलने का मौका तो दीजिए। मैं पूछती हूँ माँ जी, आप चिड़िया की आत्मा है, आपने हमेशा मेरी मदद की, पर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे सच छुपाया, मेरी एक बेटी थी बिल्कुल तुम्हारी जैसी, मैं उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई। उसकी याद में मैंने खुदकुशी कर ली और एक आत्मा के रूप में इधर उधर भटकती रही। जब उस रात मैंने तुम्हें परेशान देखा तो मुझे अपनी बेटी की याद आ गई, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही थी, इसके अलावा मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती थी। ये सुनकर सबकी आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं। टुनटुनी रोते हुए कहती है, माँ आप परेशान मत होइए, मैं भी आपकी बेटी जैसी हूँ। हाँ बेटा, मुझे तुम्हारे रूप में अपनी बेटी मिल गई, मुझे अब और क्या चाहिए, मैं चलती हूँ, बस तुम ध्यान रखना, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारे पास रहूँगी। ये कहकर टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ से चली जाती है। एक दिन बंटी खुशी खुशी ऑफिस से घर आता है और अपनी पत्नी टुनटुनी को बुलाता है। टुनटुनी कहाँ हो तुम, जल्दी इधर आओ। क्या हुआ बेटा, आज तू बड़ा खुश लग रहा है। हाँ माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा आज प्रमोशन हुआ है। माँ ये देखो मैं तुम्हारे लिए शॉल लेकर आया हूँ। तभी वहाँ टुनटुनी आ जाती है। क्या बात है जी, आपने मुझे क्यों बुलाया? हाँ टुनटुनी ये लो, मैं तुम्हारे लिए सोने का हार लेकर आया हूँ। ये हार बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ बेटा, इस तरक्की में इसी का तो हाथ है, मेरा तो जैसे कुछ है ही नहीं। ये लो पकड़ो अपनी घटिया शॉल, मुझे नहीं लेना। बबली गुस्से में शॉल फेंक कर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जब टुनटुनी सबके लिए चाय बना रही होती है तो वहाँ बबली आ जाती है। बहू तू तो बड़ी शातिर निकली, तूने मेरे बेटे को अपने कब्जे में कर लिया, अब वो तेरी हर बात मानता है, मैं तो जैसे कुछ हूँ ही नहीं। माँ जी आप ये क्या कह रही हैं, मैंने क्या किया है? तूने मेरे बेटे को काबू में कर लिया है और कह रही कि मैंने क्या किया। मेरा बेटा कल तेरे लिए इतना महंगा हार लेकर आया और मेरे लिए बस 500 रुपए की शॉल। माँ जी वो हार आप ले लीजिए, मैं क्या करूँ, मैं तो इतने महंगे हार पहनती भी नहीं हूँ। अच्छा तो अब तू मुझे भीख में देगी, मैं तेरे पर तोड़ दूंगी, तू अपनी औकात में रहा कर, अब खड़ी खड़ी मेरा मुँह देखेगी, चल अब जाके चाय बना। टुनटुनी बबली को चाय देती है, बबली जानबूझकर गर्मा गर्म चाय टुनटुनी पे गिरा देती है। माँ जी आपने ये क्या किया, तेरे साथ जो मैंने किया बहुत सही किया। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बबली जंगल से घर आती है। टुनटुनी अरे ओ टुनटुनी कहाँ मर गई, जल्दी से मेरे लिए एक गिलास पानी ला। अभी लाती हूँ माँ जी। टुनटुनी पानी लाकर अपनी सास को लाकर देती है। तभी अनाज घर में से जलने की बू आती है। टुनटुनी भागकर अनाज घर में जाती है। हे भगवान ये क्या हो गया, माँ जी तो आज मुझे मार ही डालेंगी। तभी बबली कबूतरी आकर टुनटुनी पर चिल्लाने लगती है। अरे ये क्या किया तूने, पूरे साल का राशन का तूने सत्यानाश कर दिया, कल मुँह ही इतना अनाज और चावल जला दिया, पूरे साल भर का तो था, भरी बारिश में चुन चुन कर इकट्ठा किया था ताकि इस बार की बारिश आराम से कट सके, इसकी भरपाई कौन करेगा, तेरा वो कंगाल बाप। मेरे पापा को बीच में मत लाइए। तेरे बाप को कंगाल ना कहूँ तो क्या कहूँ, उसने दो जोड़ी कपड़ों में तुझे मेरे मथे मर दिया, मैंने तो सोचा था अपने बेटे की शादी किसी अमीर चिड़िया से करूँगी। ठहर जा मैं तुझे अभी बताती हूँ। इतना कहकर बबली जलती हुई लकड़ी से टुनटुनी के पर जला देती है। आपने क्या कर दिया। रात को जब बंटी घर आता है तो वो टुनटुनी के जले हुए पर देखकर वो उससे पूछता है, टुनटुनी ये क्या हुआ तुम्हारे पर को, ये तुम्हारा पर कैसे जल गया? वो कुछ नहीं जी, किचन में काम करते समय जल गया था। टुनटुनी तुम झूठ मत बोलो, मैं सब जानता हूँ, ये सब माँ का किया धरा है, मैं अभी माँ से जाकर पूछता हूँ। बंटी गुस्से में बबली के घोंसले में जाता है। माँ तुमने बहुत अत्याचार कर लिया टुनटुनी पर, अब मैं और नहीं रह सकता यहाँ पर, मैं टुनटुनी को लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। नहीं बेटा इस बुढ़ापे में तू मुझे छोड़कर मत जा, आगे से तुझे मेरी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। नहीं माँ अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, मैं जा रहा हूँ। बंटी टुनटुनी को लेकर घर छोड़कर चला जाता है और दूसरी नदी किनारे बने पेड़ पर अपना आशियाना बनाता है। ऐसे ही कुछ साल गुजर जाते हैं। एक दिन जंगल में भारी तूफान और बारिश आई हुई थी। माँ इस भयंकर तूफान में कैसे अपने आप को बचा रही होंगी, मुझे जाकर उन्हें देखना चाहिए। बंटी और टुनटुनी भारी तूफान का सामना करते हुए अपने पुराने घर पहुँचते हैं।
वहाँ बबली कबूतरी बारिश में भीग रही थी और आपकी सांसें गिन रही थी। माँ तुम्हें क्या हुआ माँ? बेटा मुझे माफ कर दे। बहू तू भी मुझे माफ कर दे। इतना कहते हुए उसकी सांसें वहीं रुक जाती हैं। उस दिन के बाद से टुनटुनी और बंटी अपनी माँ के घर में रहने लगते हैं।